हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगनी चौहान। सो आज का ब्लॉग है, आज मैं अपनी एक यूट्यूबर फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ एंड शी वाज विद मी इन माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यस, इन द गुड़गांव। सो हम लोग बहुत टाइम से मिलने का प्लान कर रहे थे बट फाइनली आज प्लान हो पाया कि आज हम मिल रहे हैं, तो मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। एंड शी इज़ अ यूट्यूबर, बट वो क्या करती है, मतलब किस चीज़ का यूट्यूब चैनल है और वो क्या कॉन्टेंट बनाती है, वो मैं आपको उससे मिल के बताऊँगी। सो आई एम ऑन माई वे एंड मैं कहाँ मिलने जा रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ 32 Milestone सेक्टर 15, जहाँ हम मैं श्रद्धा के साथ गई थी 1 जनवरी को। तो अभी हम दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे कोई डोसे का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, वो मैं आपको जाकर दिखाऊंगी। और सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। से भी, मतलब वो भी आ ही चुकी है और आई थिंक मुझे उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। दिखा दूँ क्या? अरे मतलब या सुमीत निशा, हाय, शी इज़ माय फ्रेंड और शी इज़ अ यूट्यूबर। मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था कि तुम यूट्यूबर हो और तुम कंटेंट क्रिएटर हो। तो अब मेन चीज़ ये, तुम ये बताओ कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल किस चीज़ का है? सबसे पहले कुकिंग चैनल है मेरा बेसिकली। ओके, और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है तो मैं डिशेस बनाती हूँ अलग अलग। ओके, और संडे को वीडियोस डालती हूँ। और तुमने चैनल कब स्टार्ट किया था? ये चैनल मैंने 2018 में स्टार्ट किया है। तो गाइस, ये हर संडे को वीडियो डालती है और मैंने भी निशा के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं। मतलब मैं जब घर पे थी तो मैं यही बोलती रहती थी, यार मैं आऊँगी गुड़गांव तो तुम मुझे खिलाना। तो आज तो चांस नहीं मिल पाया क्योंकि आज तो हम बाहर मिल रहे हैं, बट आई ट्राई कि मैं निशा के घर पे जाऊँ और उसके हाथ में कुछ ट्राई करूँ। तो आई शूट दैट ऑल्सो एंड आई विल रिव्यू। तो दिखने में तो काफ़ी दिखने में तो काफ़ी अच्छा होता है, तो आई नो कि वो टेस्टी होता होगा। तो जैसे कि तुमने बताया हर संडे को वीडियो डालती है, तो यू गाइस कैन गो एंड सब्सक्राइब हर चैनल। एंड मतलब डिशेस क्या क्या होती है, जैसे कि मतलब कोई स्पेशलिटीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादातर स्नैक्स ही रहते हैं। ओके, क्योंकि मैं फूडी भी हूँ तो मुझे ये रहता है कि ठीक है आज ये खाने का मन है तो ये बना रही हूँ मैं, तो ऐसा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर यही चीज़ें बनानी है, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज, जो मेरा मन करता है वो मैं बनाती हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद तुम बनाती हो तो तुम मतलब कैसे, आंटी से सीखा हुआ है या अपनी मॉम से या फिर यूट्यूब चैनल? हाँ, मतलब मॉम से भी सीखा है और फिर मुझे कुछ मतलब बचपन से ही शौक है। ओके, मतलब बचपन से ही मुझे ये था कि ठीक है कुकिंग करनी है, सीखना है, तो मतलब बुक से, यूट्यूब से, तो स्टार्टिंग से। हाँ, मतलब इनके अंदर वो कीड़ा था कि इनको खाना बनाना है और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। सो शी डिड दैट एंड इट्स अ गुड थिंग आई थिंक। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी व्यूअर्स है यार, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज आप जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तब आप आगे बढ़ते हो, राइट? तो उसके बाद अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम जाएंगे डोसा खाने, जगह का नाम हम आपको वहीं जाके दिखाएंगे। अरे कुछ आइसक्रीम का यहाँ की गाड़ी जहाँ से लोग इसमें बैठ के घूम सकते हैं। 30 सेकेंड, ये पता नहीं निशा मुझे कहाँ लेके जा रही है, आई नहीं रहा अभी तक। यार तुम्हारी लोकेशन क्यों नहीं आ रही जहाँ हम खाने जा रहे हैं? सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे आज हम लोग खाएंगे, दिस इज कर्नाटक कैफे। यहाँ का मसाला डोसा फेमस है तो मसाला डोसा हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और कुछ उत्पम वगैरह भी फेमस हो सकते हैं, बट नहीं अब क्या बेगी खाना, मतलब
बहुत ज्यादा इसके अंदर देसी घी होता है तो हमारा पेट ऐसे ही भर जाएगा। ओके, कह रही है बहुत ज्यादा इसके अंदर देसी घी होता है तो हमारा पेट ना ऐसे ही भर जाएगा। तो फिर मसाला डोसा ही करते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, आज मैंने लंच नहीं किया है, सो ऐसे एक ऑमलेट खाई है 2 अंडे की और बस चाय पी है 2 बार, तो मुझे बहुत ही भूख लग रही है, सो फूड पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। ठीक है, वाओ थैंक यू भैया। और इसमें पता है पानी इसमें आया है और ये इसमें रखा हुआ है सी, जो इसमें जो लीटर होता है ना दूध का लीटर, हमारे ऐसे ना दूध नापते हैं और आई थिंक सबके यहीं नापते हैं, उसमें क्या है दूध नापते हैं वो है उसमें रखा हुआ है ये, और जो तांबे के जैसे गिलास होते हैं उसमें पानी आया। अब मैं देखती हूँ खाना कैसे में आता है। तुम्हें दूध नापना है किसी को? ठीक है ले जाओ यहाँ से चुरा के, इसे नाप लेना। हाँ जी, तो हमने कर्नाटक कैफे में खा लिया और यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है गुड़गांव में इतना सस्ता खाना मिलता भी है। इट वॉज़ वेरी चीप। मतलब हमने खाया डोसा और थोड़ा अलग स्टाइल में था कर्नाटक में, मतलब आलू ऐसे फ्राई व्राई नहीं थे कुछ, राइट, और देसी घी में बना था, बहुत ही यम्मी था। एंड आई गेस हमें यहाँ पर बार बार आना चाहिए, तो आई विल ट्राई कि मेरे पेरेंट्स आएंगे ना तो मैं उनको यहाँ लेके आऊँगी। जो भी 232nd माइलस्टोन आए तो आई वुड प्रेफर कि यार कर्नाटक कैफ़े में ज़रूर आना। अगर आप यहाँ नहीं आए तो मुझसे बात मत करना, ठीक है? नाम क्या है आपको देखना है? पहले आप मुझसे हेलो करो, अपना नाम बताओ। यार ये कितनी प्यारी है, क्या? अच्छा आपको वो चाहिए, बॉल चाहिए ऊपर, आपको बॉल चाहिए? आप किसके साथ आए हो यहाँ पे? बॉल। हाय बोल दो सबको। हाय आपके साथ है? आप पहले हाय, आप अच्छा आप ले लो, हाथ में ले लो। क्यों गिर दो? ये वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो इसको, पकड़ो अब इसमें देखो और बोलो कि सब्सक्राइब कर देना। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं प्लीज। अच्छा बोलती नहीं है। हेलो, इसमें देखो आप। हाय कर दो, हाय कर दो। अच्छा हाय कर दो, इधर 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 इधर। बोलो, यू कैन डू इट, बोलो, यू कैन डू इट, यू कह रही यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये इसके पापा आए ना, वाहेगुरु करना, वाहेगुरु कर दो। ओ वाहेगुरु कर रही है ये। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, फ्लाइंग किस, वाओ। चलो बाय आए ना, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, बाय। इसका मन नहीं कर रहा मुझे छोड़ के जाने का। यार मुझे ना आयरा से मिलके मजा आ गया, कितनी प्यारी थी, वापस जा रही है, मुझे देख रही है, मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा उसका, और उसने बोला यू कैन डू इट, मैंने कहा यस आई विल डू इट। Yeah, so on this note, you guys can see this place is very nice. Yeah, so on this note, I'm ending this video. Hope you guys like this location and Nisha ke channel ko jaake subscribe kar dena aur Carnatic cafe ka khana khane zarur aana. So agar video pasand aaya ho to like, share and subscribe kar dena. And now I'm signing off from this video. Bye bye, take care.